विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बौखलाई बहुजन समाज पार्टी के मुखिया अपने नेता और कार्यकर्ताओं पर निष्कासन की कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी से निष्कासन पर राज्यसभा सांसद में मुख्तार अंसारी की तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि पूर्वांचल में मुस्लिम नेता की छवि के तौर पर सालिम अंसारी के चेहरे की अपेक्षा मुख्तार का चेहरा ज्यादा सशक्त है। मऊ जिले से पूर्व राज्यसभा सांसद सालिम अंसारी भी शामिल है। बता दें कि सालिम अंसारी छात्र जीवन से ही राजनीति में थे और उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू की थी। उसके बाद सन 2000 में बसपा में ज्वाइन किया तो उन्हें पार्टी ने 3 बार लगातार जिलाध्यक्ष बनाया, तो वहीं 2004 में पार्टी ने निष्कासन किया तो फिर 6 माह बाद वापस कर लिया, और 2010 में पार्टी ने 5 जुलाई को राज्यसभा भेज दिया। फिर उसके बाद 4 जुलाई 2016 को राज्यसभा सांसद रहे। विधानसभा चुनाव में लगभग 200 मीटिंग की थी। चुनाव में मऊ जिले से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जिताने की भरपूर कोशिश की। मुख्तार की जीत मिली थी, हालांकि बताते चलें कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं की थी। उन्हें पता भी नहीं है क्यों निकाला गया, लेकिन उनसे बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें पार्टी से निष्कासन के पीछे मुख्तार अंसारी पर आरोप है। मैं तो रात कई शादियों में गया था, रात में आके सोया, सुबह मुझे पेपर के माध्यम से मालूम हुआ, और फिर मेरे वहाँ तमाम फ़ोन आने लगे, तमाम लोग आ गए, बहुत भीड़ हो गई कि साहब आपको क्यों निकाला गया। तो मुझे कुछ पता नहीं, जोनल कोऑर्डिनेटर की तरफ से ये आया है कि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्यों निकाला गया, जब बहन जी समीक्षा करेंगी, लोग बताएंगे सच्चाई क्या है। मैंने पार्टी के साथ हमेशा ईमानदारी निष्ठा के साथ सर्व समाज का काम करने की कोशिश की है, और आज भी मेरे ऊपर कोई किसी समय तारीख आ जाने की वजह से वो चेहरा धूमिल दिखाई दे रहा है, और उन्होंने उनको सपोर्ट करने के लिए आपको निष्कासन या आरोप लगाया है। अब यहाँ 96 में मुख्तार अंसारी विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, और मान्या बहन जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुख्तार अंसारी का टिकट काट के मुझे 2002 में यहाँ से चुनाव लड़ाया था, और मैं चुनाव लड़ा, दुर्भाग्यवश मैं चुनाव हार गया, हमारे लोग नहीं समझ पाए, हो सकता उनके मन में ये खोट रही हो। फिर अब जा करके 20 साल बाद वो पार्टी में लिए गए हैं, और उनके लेने के बाद मान्या बहन जी ने जब उन्हें पार्टी में ले लिया तो मेरे मन में तो कोई ईर्ष्या नहीं थी। मैंने तो पूरा निष्ठे भाव से, ईमानदारी से, जो कुछ मैंने यहाँ जनता के बीच कमाया था, सारा पूंजी उनको लगा के उनको जिताने का काम किया। जिस तरह की आंधी चली थी शायद वो भी साफ हो जाते, अगर मेरा अपना काम न होता, मेरी अपना लोगों में पकड़ नहीं होती, और जिस तरह से मैंने घूमा, जिस तरह लोगों ने स्नेह प्यार दिया और एक एक वोट मुख्तार अंसारी को दे के यहाँ जिताने का काम किया, शायद अगर मन न लगता, मान्या बहन जी का आदेश नहीं होता या वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं आते, तो इस बार उनकी कश्ती डूबी थी, ये पक्का है। नेक्स्ट न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ to receive new updates, reviews and news.